हेलो दोस्तों, वाइड लूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम नोड एमसीयू के सेकंड सेशन में एलईडी चेसर बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फ्रेजिंग ओपन करते हैं। हम यहाँ पे 3 LED लेंगे। हम यहाँ एनोड को माइनस से कनेक्ट करेंगे, सॉरी कैथोड को। मैंने यहाँ कैथोड को ग्राउंड से कनेक्ट किया और एनोड को पिन नंबर D4 से और सेकेंड LED को पिन नंबर D5 से और थर्ड LED के एनोड को पिन नंबर D6 से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं एनोड के सीरीज में 220 ओम का, बट मैंने यूज नहीं किया क्योंकि नोड एमसीयू का आउटपुट 3.3 वोल्ट होता है, तो इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया। अभी हमारा सर्किट तैयार हो गया है, अब हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। मैंने आर्डिनो IDE ओपन किया। हमें आर्डिनो सॉरी हमें नोड एमसीयू का पिन आउट देखेंगे। मैंने LED D4, D5 और D6 से कनेक्ट किया है, तो D4 का GPIO नंबर 2 है, D5 का GPIO 14, D6 का GPIO 12। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे 12, 14 और 2। यहाँ पे इन तीनों पिनों को हम डिफाइन करेंगे, हैज डिफाइन LED _1, ये है 12 नंबर, हैज डिफाइन LED _2, ये है 14, अब हम यहाँ पे आउटपुट इनिशियलाइज करेंगे। उसके लिए पिन मोड LED हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे LED चेसर के नाम से,
वाइड चेसर। यहाँ पे हम तीनों एलईडी को, यहाँ पे हम तीनों एलईडी को आउटपुट लिखेंगे, डिजिटल। इसका आउटपुट लो होना है या हाई होना है उसको उसको हम डिसाइड करेंगे इस फंक्शन में। यहाँ पे हम आई रखते हैं। ये समथिंग टेकिंग नेचर का ये फंक्शन है, इसलिए इसमें कुछ हमें चीज़ें पास करना पड़ेगा। इंट आई, जे, कामा के। ये जो वैल्यू हम पास करेंगे ये डिसाइड करता है कौन सा पिन, आई जे के की जो वैल्यू हम पास करेंगे, यहाँ पे 0 या 1 पास करेंगे, ये डिसाइड करता है कौन सा एलईडी को ग्लो होना है, कौन सा एलईडी को ऑफ होना है। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं व्हाइल लूप में। हम पहले फर्स्ट एलईडी को ऑन करेंगे, दूसरे को ऑफ रखेंगे, दूसरे और तीसरे को भी ऑफ रखेंगे। ये हो गया जी सर। इस बार पहले को ऑफ करेंगे, दूसरे को ऑन करेंगे, फिर तीसरे को ऑफ रखेंगे। इस वाले में पहले को भी ऑफ रखेंगे, दूसरे को भी ऑफ और तीसरे को ऑन। हम यहाँ पे एक डिले देंगे ताकि हमें पता चले कि रेडी ब्लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है। और हम यहाँ पे डिले को डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे डिले, यहाँ पे हम मैं डायरेक्ट नंबर पास कर सकता था, मगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस कैपिटल डिले को मैं यहीं से एक वैल्यू दे देता हूँ, जो कि हमें अगर आगे जो चेंज करना पड़ेगा हम यहीं से चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 500 दे दिया, तो मतलब ये भी 500 है, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है। अब हमारा कोड कंप्लीट हुआ, इसको हम अपलोड करेंगे। ये हमारा आउटपुट है। ये एलईडी ब्लिंक हो रहा है और हमारे कोड को फॉलो कर रहा है, जैसे हमने कोड बनाया वैसे ही कर रहा है। इसका चेसिंग होने का स्पीड थोड़ा स्लो है, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ पे हम 300 करेंगे और फिर से देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट हुआ। यहाँ पे हमने इस डीले में कैपिटल डीले क्यों पास किया है, क्योंकि अगर हमें डीले चेंज करना होगा तो हम एक ही जगह से चेंज करेंगे और पूरे जगह से, और पूरा हर जगह जहाँ जहाँ डीले के अंदर ये कैपिटल डीले पास हुआ है वहाँ पे 300 ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें हम टू लिख के देख टू पास करके देखते हैं डीले।
200 मिलीसेकंड। ये अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कोई क्वेश्चन होता हो हमें कमेंट बॉक्स में डालें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि लगता है कि आपको ये आपके दोस्तों को काम आ सकता है तो अपने फेसबुक वाल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए मिस न हो जाए। धन्यवाद।